Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल हब जो हमारे YouTube चैनल, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सॉफ्टवेयर पायरेसी होता क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी इज एन अनऑथोराइज्ड यूज, इंस्टॉलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। जो कोई भी अनऑथोराइज्ड यूज करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर इंस्टॉलेशन करता है सॉफ्टवेयर के, उसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं गाइस। तो अब सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर हम दो चीज़ों को देख लेते हैं। एक तो यूजेज परचेज होता है, एक ओनरशिप परचेज होता है गाइस। तो यूजेज जो परचेज होता है उसके अंदर गाइस हम यूज जो है सॉफ्टवेयर का उसे परचेज करते हैं, ना कि हम उसके ओनर हो जाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उस सॉफ्टवेयर का तो वे अनऑथोराइज्ड है, और वहीं पर अगर हम उसकी ओनरशिप को परचेज करते हैं बाद में, हम जो है हमारे पास राइट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर का। सो गाइज, आपको ये चीज़ पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कर सकता है? ओनर कर सकता है, और ओनरशिप परचेज करके कर सकता है अगर वे उसका ओनर नहीं है, मेकर नहीं है तो उसका। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट अकर ड्यू टू सॉफ्टवेयर पायरेसी। सो फर्स्ट इफेक्ट है लॉस ऑफ रिवेन्यू फॉर सॉफ्टवेयर मेकर। जो कोई भी सॉफ्टवेयर मेकर होता है उसे लॉस होता है रिवेन्यू का, क्योंकि उसको पास प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। उसको कॉपी करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अगर सॉफ्टवेयर को, तो उसके पास जो है उसको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है सॉफ्टवेयर का। किसको? सॉफ्टवेयर मेकर को या फिर सॉफ्टवेयर ओनर को। अब जो सेकेंड पॉइंट है गाइज, ये है कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। अब जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो गाइज उस सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी कोडिंग होती है, तो उस कोडिंग को क्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर की, ताकि वे डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, कॉपीड की जा सके, फिर पायरेटेड उस सॉफ्टवेयर को दिया जा सके, वहीं जो है उसे क्रैक किया जाता है। उस क्रैक के अंदर जो क्वालिटी होती है सॉफ्टवेयर की, उसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है क्वालिटी जो होती है सॉफ्टवेयर की वे उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी अच्छी वे होनी चाहिए थी। लॉस ऑफ टैक्स रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। अगर गाइस कोई भी बंदा सॉफ्टवेयर को परचेज कर रहा है तो वहाँ पर वे कहीं ना कहीं GST या वैट को दे ही रहा है गवर्नमेंट को। अगर वे अपने दोस्त से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है उसका कोई दोस्त उसे सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे उसे उस जो सॉफ्टवेयर है उसे परचेज नहीं किया करना पड़ा, और परचेज नहीं करना पड़ा तो उसे ना ही कोई GST, ना ही कोई वैट, कोई भी टैक्स जो है रिवेन्यू भी गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता। तो वहाँ पे लॉस होता है गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू के अंदर। अब हम गाइज जो बात कर लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में, गाइज अब हम बात कर लेते हैं। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर पायरेसी मीन्स अनऑथोराइज्ड यूज, इंस्टॉलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी, जैसे कि मैंने पहले ऊपर भी बताया, अनऑथोराइज्ड यूज है या फिर इंस्टॉलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? सॉफ्टवेयर का, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। गाइज अगर आपको इसकी डेफिनेशन, एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन बनानी है, तो गाइज आपको इस लाइन का यूज करना होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर। क्योंकि गाइज अगर आप इस लाइन का यूज करते हो तो एक बहुत ही एक वेल डिफाइंड फलरिश जो है डेफिनेशन बन जाती है सॉफ्टवेयर पायरेसी की। सो गाइज अगर पहली चीज, सॉफ्टवेयर पायरेसी एक इलीगल चीज है। अगर इलीगल चीज है तो ये क्राइम हुआ, इट इज कंसिडर्ड एज ए क्राइम। सो गाइज सेकेंड थिंग ये है, अगर उसने क्राइम किया है तो वे पनिश भी हो सकता है, पनिशेबल भी है, एंड पर्सन शुड बी पनिश अंडर साइबर लॉ। सो गाइज ये एक साइबर रिलेटेड थिंग है, तो इसको साइबर लॉ के अंडर ही पनिश कर सकते हैं हम। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, पर्सन शुड बी पनिश अंडर साइबर लॉ। सो गाइज अब हम जो है बात कर लेते हैं आगे पनिशमेंट के बारे में गाइज। सो जो साइबर लॉ वे पनिश किया जा सकता है अंडर इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको बताया साइबर लॉ, और अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इंडियन कॉपीराइट एक्ट। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। सो गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सो गाइज एग्जांपल ये है, मान लीजिए बॉलीवुड है। बॉलीवुड के अंदर आपके पास डायरेक्टर्स भी होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, एक्टर भी होते हैं, एक्ट्रेसेस भी होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वे सभी अलग अलग हैं। बॉलीवुड के अंदर ये सभी आ जाते हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बट एक्टर एक इंडिविजुअलिटी, वैसे ही इंडिविजुअल है इंडियन कॉपीराइट एक्ट बट 1957, बट ये आता साइबर लॉ के अंडर ही है। सो गाइज ये हो गई थी जो मैंने आपको बताया। अब हम इसे ट्रायल कहाँ, कौन कौन से कोर्ट में कर सकते हैं? सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में, दोनों में ही हम इसे ट्रायल कर सकते हैं। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर पायरेसी या फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करते पाया जाता है, तो हम इसे दोनों ही कोर्ट में ट्रायल कर सकते हैं, चाहे वे सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो। अब गाइज हम ये देख लेते हैं इसमें पनिशमेंट क्या क्या मिलती है। पनिशमेंट आपको यहाँ पे जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, और बोथ भी हो सकते हैं। सो गाइज अगर आपको जेल मिल रही है, इम्प्रिजनमेंट जिसे हम बोलते हैं, अगर वे मिल रही है, तो मिनिमम 7 डेज की हो सकती है या फिर मैक्सिमम 3 ईयर्स की हो सकती है वे।
गाइज अब हम बात कर लेते हैं फाइन के बारे में। तो फाइन कम से कम भी 50,000 का और मैक्सिमम 2,00,000 का हो सकता है। गाइज इन दोनों के साथ भी हो सकता है, जैसे 7 डेज की आपको पनिशमेंट मिल जाए, 50,000 आपको फाइन भरना पड़ जाए, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से हुआ। गाइज टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, टेक्नोलॉजी से एडवांसमेंट बढ़ने लगी। अब एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई तो सॉफ्टवेयर का यूजेस भी बढ़ने लग गया। सॉफ्टवेयर का अगर यूज बढ़ने लग गया तो गाइज सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्शन और मिसयूज दोनों ही बढ़ने लगे। अब जब सॉफ्टवेयर का मिसयूज होने लगा तो सॉफ्टवेयर ओनर्स को राइट दिया गया इंडियन कॉपीराइट एक्ट के थ्रू कि उनके सॉफ्टवेयर को कोई कॉपी ना कर सके। सो गाइज यहां से इसका ओरिजिन हुआ सॉफ्टवेयर पायरेसी का, क्योंकि मिसयूज होने लग गया, उसे मिसयूज को ही हम एक तरीके से सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप एक ट्रिमेंडियस फ्यूचर स्कोप है गाइज। मैं आज आप लोगों को एक बात बता देता हूं, अबाउट 36% ऑफ सॉफ्टवेयर जो आज के दिन वर्ल्ड में यूज किए जा रहे हैं वे सभी सॉफ्टवेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कॉपीड सॉफ्टवेयर, अनऑथराइज यूज सॉफ्टवेयर है। सो गाइज अगर 36% इतने ज्यादा अमाउंट में अगर सॉफ्टवेयर जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हो सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है इसको अगर हम रोकना चाहें, इसके ऊपर बैन लगाना चाहें या फिर इसे हम अपोज करना चाहें, तो वहां पे हम जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम जॉब प्रोवाइड करेंगे तो आप खुद देख सकते हो परसेंटेज लेवल कितना ज्यादा है, तो ये क्राइम कितना ज्यादा अकर हो रहा है इन टूडेज वर्ल्ड। सो देयर इज ए ट्रिमेंडियस स्कोप इन द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। सो गाइज ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड लव यू सारानू।